सियाचिन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए मुरैना के विवेक सिंह तोमर का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो हर जुबा पर एक ही नारा था, शहीद विवेक अमर रहे। घर तक आने जाने वाली गली में दिल रखने की जगह तक नहीं थी। हजारों लोगों की भीड़ शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंची थी। छोटे बेटे ने पिता के पैर छुए तो बड़े बेटे ने नम आंखों से पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान शहीद को सेना के जवानों ने सलामी भी दी। हालांकि शहीद के परिजन सरकार से नाराज हैं। मैं सरकार जिसने शहीद का सम्मान ही नहीं किया, ऐसी सरकार से मैं क्या मांग रखूं? ऐसी सरकार के ऊपर मैं क्या भरोसा रखूं कि जो शहीद के परिवार को कुछ दे सके? मैं तो ऐसी सरकार का बिल्कुल विरोध करता हूं, मैं ऐसी सरकार को धिक्कारता हूं, ऐसी सरकार के ऊपर मैं बिल्कुल इतना असंतुष्ट हूं कि ऐसी सरकार के लिए मैं अपने हृदय से कुछ वर्ड नहीं बोल सकता। जो एक शहीद का सम्मान नहीं कर सकती, वो क्या देगी किसी को? आपको बता दें कि सियाचिन में 11 जनवरी की दोपहर कैंप की थर्मोस्टेटिक बिल्डिंग के टेम्परेचर कंट्रोल में खराबी की वजह से बिल्डिंग में धुआं भर गया। सभी जवान बाहर निकल गए, लेकिन विवेक सिंह तकनीकी खराबी ठीक करने अंदर चले गए। हालांकि धुएं की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही जवान विवेक सिंह तोमर का निधन हो गया। मुरैना से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।